जय हिंद साथियों। दोस्तों, इससे पहले हमने पीएम विश्वकर्मा योजना के रिगार्डिंग 2-3 वीडियो हमने बनाया था। उस वीडियो के नीचे आप में से काफ़ी सारे लोगों को बहुत सारे डाउट है, उन डाउट के रिगार्डिंग हम इस वीडियो में बात करेंगे जो आपके द्वारा पूछे गए हैं। हालांकि हमने इसके रिगार्डिंग पूर्व में भी एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको बताया था कि पीएम विश्वकर्मा योजना क्या है, इसका क्या उद्देश्य है, इससे कितना लाभ आपको मिलेगा, साथ ही साथ कैसे आपको लाभ मिलेगा। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद उसको देख लीजिएगा। उसके अलावा हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें पीएम विश्वकर्मा योजना की सच्चाई क्या है उसको हमने आपको बताया था, और एक और वीडियो हमने बनाया था जिसमें आपको लाइव बताया था कि इस योजना में अगर आप इच्छुक हैं, आप चाहते हैं आवेदन करना, तो आवेदन कैसे कर सकते हैं। अब इन तीनों वीडियो में कुछ कॉमन सा कॉमेंट हमने देखा है जिसमें आप में से काफ़ी सारे लोगों ने पूछा है, तो उसका रिप्लाई इस वीडियो में मिलेगा। पहले समझिए आपके डाउट क्या क्या है। जैसे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए थे कि सर, जो इसमें लोन दिए जाते हैं हमें 3 लाख रुपए तक का, तो क्या लोन लेना हमें ज़रूरी है? तो पहला डाउट आप क्लियर करिए। यहाँ पर जो 3 लाख रुपए आपको लोन मिलती है, जब आप अप्लाई करेंगे उस समय ही आपसे पूछी जाएगी कि लोन आपको चाहिए या नहीं चाहिए। चाहिए तो आप वहाँ पर रेस्ट करेंगे, तो जैसे ही आप ये ट्रेनिंग पीरियड सब खत्म करेंगे तब आपको लोन मिल जाता है। लोन कैसे मिलता है? तो लोन पहले 1 लाख मिलता है, उस 1 लाख रुपए को आपको चुकाने कैसे पड़ेगी वो हम आगे बताएंगे। फिर आपको 2 लाख मिलता है, उससे कैसे चुकानी है और क्या ब्याज होगी वो हम आगे बात करेंगे। दूसरा डाउट काफ़ी सारे लोगों के मन में ये था कि सर, इसके तहत जो टूल किट खरीदने के लिए जो 15,000 रुपये मिलता है, तो ये कैसे मिलेगा? हम इसमें ऑनलाइन आवेदन कर देंगे और ये 15,000 रुपये हमें मिल जाएगा? तो देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। इसमें अगर आप आवेदन करते हैं, आपको टूल किट के लिए 15,000 रुपये चाहिए, तो इसके लिए सबसे पहले आवेदन करने के बाद आपकी डॉक्यूमेंट, आपकी जो भी फॉर्म है वो वेरिफिकेशन स्टेज में जाती है। आपकी वेरिफिकेशन जब कंप्लीट होती है, उसके बाद आपको 15,000 रुपये के टूल किट खरीदने के लिए पैसा उपलब्ध कराएगी, जिससे आप टूल किट खरीद सकते हैं। तो ये ट्रेनिंग जब आप करेंगे तब आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है कि पहले ही आपको मिल जाएगा। अब काफ़ी सारे लोगों ने बोला था कि सर, हम इसके तहत अगर पैसा लेते हैं तो फ़ायदे क्या है, और पैसा अगर हम लेते हैं तो पैसा चुकाना कैसे है हमें, ये बताइए। देखिए, बहुत सारे लोगों का निगेटिव भी इस पे कमेंट आ रहा था कि 3 लाख रुपया सरकार दे रही तो फ्री में थोड़ी दे रही है, इसके लिए हमसे ब्याज ले रही। भाई मेरे, ब्याज अगर आपसे ले रही है तो ब्याज दर भी तो देखिए, 5% वार्षिक ब्याज दर है, कितना कम है। अगर आप नॉर्मल, आप कभी जाकर बैंक में पता करिए, अगर आपको ऋण लेना है 1 लाख रुपये ही, आप पता करिए बैंक आपको कितना ब्याज बताता है, और इसमें आपको 5% के दर से दे रही है। और दूसरी बात, बिना किसी गारंटेड के ऐसे जाएंगे तो आपको बैंक बैठने भी नहीं देगा, कहेगा जाइए हम आपको लोन नहीं देंगे, क्योंकि आप एक कारीगर है, समझ रहे हैं ना। कारीगर को बैंक ऐसे भी लोन नहीं देता, बैंक उनको लोन प्रोवाइड करता है, जो बड़े बड़े उद्योग करते हैं, जो बिजनेसमैन हैं उन्हें लोन उपलब्ध कराती है। चीज़ों को समझिए, नहीं समझेंगे तो फिर लाभ आपको मिल ही नहीं पाएगा। तो ये जो लाभ आपको मिलती है 3 लाख रुपये तक का, ये बिल्कुल ले सकते हैं। पहले 1 लाख रुपये आपको मिलेगी, इस पर ब्याज दर जो होगी 5% का होगा, फिर ये पैसा 18 महीने में आपको चुकानी होगी। 18 महीने में पैसा जैसे ही चुकाएंगे, सरकार पुनः 2 लाख रुपए आपको देगी, फिर वो पैसे भी आपको 30 महीने में चुकानी होगी, इस पर भी 5% का ब्याज दर होगा। तो ये आप समझिए। बहुत सारे लोगों का ये कमेंट आ रहा था कि सर, इसके लिए जो ट्रेनिंग आपने बताया है कि ट्रेनिंग दी जाएगी जो 5 दिन का हो या 15 दिनों का हो, तो ये ट्रेनिंग हमें मिलेगी कैसे, कहाँ जाकर हमें ट्रेनिंग करनी होगी? तो देखिए, ये ट्रेनिंग आपके होम डिस्ट्रिक्ट में ही होंगे। अभी फ़िलहाल आवेदन प्रक्रिया हो रही है, आगे इसकी अपडेट जारी की जाएगी। हम आपको ट्रेनिंग सेंटर की भी सूची बताएंगे, और ट्रेनिंग सेंटर आपको चुनने का भी मौका मिलेगा कि आप शेड्यूल बुक कर सकते हैं कि कब आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो इसकी जानकारी हम आने वाले वीडियो में आपको ज़रूर अपडेट कर देंगे। इतना समझिए कि यह ट्रेनिंग ऑफलाइन होगी और आपके होम डिस्ट्रिक्ट में ही होगी, और जितने दिनों का आप ट्रेनिंग चुनेंगे पर डे के हिसाब से 500 रुपये आपको दिए जाएंगे। एक और काफ़ी ज़्यादा ही पूछे जाने वाले कमेंट थे कि सर, इसके लिए फॉर्म हम कैसे भरें? क्योंकि आप जानते होंगे, इसके लिए फॉर्म भरने के लिए आम नागरिक फॉर्म तो नहीं भर सकते, इसके लिए आपसे CSC ID मांगा जाता है, क्योंकि कॉमन सर्विस सेंटर जिसे बोला जाता है, तो ये ID सबके पास तो होता नहीं है। तो इसके लिए आपको अपने नज़दीकी किसी भी साइबर कैफ़े में जाना होगा, वहाँ पर आपको पता करना होगा कि वो पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए आवेदन करते हैं या नहीं करते हैं। उनके पास CSC होगा तो वो ज़रूर इसके लिए आवेदन करेंगे, तो वहाँ जाकर आप आवेदन करवा लीजिएगा। आवेदन करने में कुछ डॉक्यूमेंट देनी होगी, जो आपके आधार कार्ड होंगे, आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर होंगे, आपके पासबुक होंगे, ये 3 डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है, जैसे अगर पैन कार्ड भी होगा ये भी आप रख लीजिएगा, तो इसे ले जाकर आप इसके लिए आवेदन करवा सकते हैं। अब काफी सारे लोगों का ये भी डाउट था कि सर, क्या एक परिवार में
अगर मान लीजिए हमारे परिवार में 4-5 लोग कारीगर है, तो क्या चारों पांचों लोगों का ये लाभ मिलेगा? तो बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि ये जो योजना है हर एक लोगों को मिलेगा जो कारीगर है, जो किसी भी प्रकार के काम करते हैं उनको ये लाभ मिलेगा। बहुत सारे लोग ये भी कमेंट किए थे कि सर हम एक मजदूर है तो क्या हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो देखिए भाई, ये जो योजना है मजदूर के लिए नहीं है, सीधा समझिए, ये योजना जो है पीएम विश्वकर्मा योजना जो किसी भी प्रकार के कारीगर है उनके लिए लाया गया है। तो अगर आप कोई काम करते हैं, काम की लिस्ट हम अभी आपको बताएंगे, उनमें से अगर कोई काम करते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी भाई बहन भी पूछ रहे थे कि क्या सर हम इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। देखिए विद्यार्थी, आप पढ़ाई करते हैं, आप किसी भी प्रकार के कारीगर थोड़ी है कि आप आवेदन करेंगे। अगर आप विद्यार्थी है, विद्यार्थी के साथ अगर इसमें से किसी भी प्रकार की आपके अंदर स्किल है तो आवेदन कर सकते हैं, इससे आपको कहीं भी नुकसान नहीं होगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। लेकिन हम मेरा यही सजेशन रहेगा कि अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आप पढ़ाई पे अभी ध्यान दीजिए, ये सब योजना में मत आइए, क्योंकि ये सरकार वैसे लोगों को योजना दे रही है जो पढ़ाई लिखाई छोड़ चुके हैं, वो कमाने वाले लोग हैं, उनके लिए है। पढ़ाई लिखाई करने वाले लोग पढ़ाई लिखाई करिए। कब समझते हैं, काफ़ी सारे लोगों का ये भी डाउट था कि सर इसमें किस कैटेगरी के लोग, किस जाति के लोग आवेदन कर सकते हैं। देखिए इसमें आवेदन करने के लिए सरकार ने ये नहीं बताया है कि किन जाति के लोग आवेदन कर सकते हैं, मतलब किसी भी जाति से आप आते हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और इसका लाभ आप उठा सकते हैं। अब लाभ किन को मिलेगा वो भी समझ लीजिए। देखिए इनमें लाभ लेने के लिए आपको कुछ काम का हम नाम बता रहे हैं, इनमें से अगर आप कोई काम करते हैं तो आप इसके लिए आवेदन करिए, नहीं करते तो फिर आवेदन आप नहीं कर सकते, आपको इंतज़ार करना होगा। अभी 18 प्रकार के कारीगरों का ही नाम जोड़ा गया, आने वाले समय में और कारीगर का नाम जोड़ा जाएगा तो उसकी अपडेट हम आपको दे देंगे। जैसे कारीगर का नाम लोहार है, कारपेंटर है, नाव बनाने वाले हैं, ताला बनाने वाले, अस्त्र बनाने वाले, सुनार हुए, लोहार और हथौड़ा और टूलकिट निर्माता हुए, मूर्तिकार हुए, कुम्हार हुए, मोची हुए, खिलौना बनाने वाले हुए, झाड़ू बनाने वाले हुए, नाई हुए जिसे आप हजाम के नाम से जानते होंगे, धोबी हुए, दर्जी हुए और मछली का जाल बनाने वाले जो लोग हैं ये इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो फिलहाल इतने प्रकार के लोग ही आवेदन कर सकते हैं। देखिए आपके द्वारा जो भी कॉमेंट आए थे उनका हमने जवाब देने की कोशिश किया। अगर आपके मन में इसके अलावा भी किसी भी प्रकार की इस योजना से जुड़ी डाउट है आप कॉमेंट कर दीजिए। हालाँकि हमने दो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट बनाया है जिससे आपको ज़रूर देखनी चाहिए। सबसे पहले योजना के बारे में पूरी जानकारी आपको यहाँ पर जो वीडियो मिल रहा होगा उसमें मिल जाएगा, और इस योजना के हकीकत क्या है, क्या है सच्चाई, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, वो वीडियो आपको यहाँ पर मिलेगा, जाकर आप देख लीजिए। और प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है जहाँ पर सारी वीडियो आपको उपलब्ध करा दी गई, देखकर समझ सकते हैं। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।